एक और जहां बलात्कार मामले में दोषी और डेरा सच्चा सौदा का चीफ गुरमीत राम रहीम अपनी सजा काट रहा है, तो वहीं उसकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत इंसा ने कोर्ट से गुहार लगाई है। हनीप्रीत पर हरियाणा में हिंसा फैलाने का आरोप है। ऐसे में अपना केस लड़ने के लिए हनीप्रीत ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। करोड़ों में खेलने वाली हनीप्रीत इंसा के पास आज अपना ही केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है, ये हम नहीं बल्कि खुद हनीप्रीत ने बताया है। हनीप्रीत ने बकायदा जेल अधिकारियों को चिट्ठी लिख इस बात की जानकारी दी है। हनीप्रीत की माने तो वो पूरी तरह से टूट चुकी है। पंचकुला मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है और केस ट्रायल पर शुरू भी हो गया है। ऐसे में वकील करने के लिए हनीप्रीत के पास पैसे नहीं है। चिट्ठी लिख हनीप्रीत ने मांग की है कि पुलिस ने उनके जिन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था उसे खोल दिया जाए, ताकि वो अपने बैंक खातों से पैसे निकाल कर अपना वकील कर सके। हनीप्रीत की माने तो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि अपने बचाव में कोई वकील कर सके जो कि कोर्ट के आगे उनका पक्ष रखे। वैसे आपको बता दें कि राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद हनीप्रीत फरार हो गई थी, जिसके चलते हरियाणा पुलिस ने उनके 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। ऐसे में ये देखना बाकी है कि हनीप्रीत की गुहार पर क्या कोर्ट उनके फ्रीज बैंक खातों को खोल देगी या नहीं। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।